Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata सॉरी अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं पहले स्कंद का 19वें अध्याय का 23 एंड 24 23 और 24 एंड मुझे बोला गया है कि इंग्लिश और हिंदी का खिचड़ी बना के बात करूं तो मैं वैसे करने वाला हूं। तो ये स्टार्टिंग तो हम वर्स पढ़ेंगे और उसके बाद जस्ट द मीनिंग उसके बाद क्लास चालू होगा ऐसे मुझे बताया गया था। तो बिफोर दैट निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुख मुखाद अमृत द्रव संवितं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् दष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवय भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समागता सर्वता एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरा स्त्रीपृष्ठे नेहातनामुत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहम् आत्मशीलम् ततश्च वा पृच्छम् इमं विपृच्छे विश्रभ्य विप्रायिति कृत्यतायां सर्वात्मनां नियमानैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रांश The king said, O great sages, you have all very kindly assembled here, having come from all parts of the universe. You are all as good as supreme knowledge personified, who resides in the planet above the three worlds, Satyaloka. Consequently, you are naturally inclined to do good to others. And but for this, you have no interest either in this life or in the next. O trustworthy Brahmanas, I now ask you about my immediate duty. Please, after proper deliberation, tell me of the unalloyed duty of everyone in all circumstances and specifically of those who are just about to die. Omagyanatimirandasya gnananjanashalakaya chakshurnumittamya tasmai shri gurave namaha mukam karoti vachalam pangum langate girim yatkrapatamaham mandi shri gurundinataram paramanandamadam shichetanashma. Okay, so यहाँ अभी परीक्षित महाराज श्राप होने के बाद श्राप के बारे में पता लगने के बाद वो आए हैं गंगा के तट पर और वहाँ पर बहुत सारे साधु संत आए हैं। हर किस्म के साधु संत आए हैं वहाँ पर। कर्मयोग में श्रद्धा रखने वाले आए हैं, ज्ञान योग में श्रद्धा रखने वाले आए हैं और इम्पर्सनलिस्ट भी आए हैं उधर और भक्ति योग में श्रद्धा रखने वाले भी आए हैं। तो सारे किस्म के जो साधु संत आए हैं उनके सामने इन्होंने दो प्रश्न रखा है। अभी पहले हमारे ये श्लोक में ये पहले तो ये बताया कि आप लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं, सती लोग भी आए हैं और आप लोग ऐसे इतने अच्छे लोग हैं कि आप हमेशा दूसरों के बारे में चिंता करते हैं और आपको इस जीवन में या अगले जीवन में कुछ कामना ही नहीं है। ऐसे लोग हैं, बिना कामना के लोग, बिना कोई इच्छा के लोग। ऐसे लोगों को तो कभी हम भूमंडल पे, अभी भारत भूमि पे या कहीं भी हम लोग इस भूमि पर हमने शायद देखा नहीं होगा। प्रायः ऐसे लोग हैं लेकिन कभी छुप जाते हैं वो लोग। तो ऐसे लोग हैं जो साधु संत हैं, जो सत्य लोग में रहते हैं, दूसरे लोकों में रहते हैं, जो दूसरों के कल्याण के बारे में ही हमेशा सोचते रहते हैं, दूसरों के कल्याण के बारे में। ऐसे वाले साधु लोग आए हैं और उनके समक्ष परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न, दो प्रश्न रखे हैं कि सदैव हमेशा क्या करना चाहिए लोगों को। एवरीवन इन ऑल सर्कमस्टेंसेस व्हाट इज द ड्यूटी, क्या कर्तव्य है। और जानबूझकर ये जो अभी मरने वाले हैं, मतलब परीक्षित महाराज तो अपने आप के लिए बोला कि मैं जो अभी 7 दिन में ब्राह्मण के श्राप से अभी मेरी मृत्यु हो जाएगी,
जो भी उसने ब्राह्मण ने बोला है, तक्षक नामक एक सर्प आएगा, वो भी उड़ने वाला सर्प, और उड़ने वाला सर्प आएगा और मेरा ये शरीर का अंत हो जाएगा, तो मेरी मृत्यु हो जाएगी उस वैसे एंगल में। तो जो मृत्यु के समीप है वो क्या करना चाहिए, ये दो प्रश्न है। ये दो प्रश्न अभी 19वें अध्याय, एक पहला स्कंद का 19वें अध्याय के 23 और 24वां श्लोक में पूछा गया है, 24वें श्लोक में। अभी परीक्षा, अभी सुखदेव गोस्वामी आएंगे इसके तुरंत बाद आएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि सारे किस्म के साधु उधर हैं, उन सारे साधुओं में कोई ऐसा एक कॉमन कंक्लूजन नहीं निकल पाया कि क्या बोले इनको। ये सवाल तो अच्छा है, ये प्रश्न तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर एक चीज बोलना है और सारे शास्त्रों में झांक कर और सारे शास्त्रों के अनुसार अगर एक चीज बोलना है उनको, क्या करना है, क्योंकि उनको तो प्रैक्टिकल टिप चाहिए था, मैं क्या करूं, ये पूछा। तो अगर ऐसे एक राजऋषि को, अगर किसी साधु को अगर बोलना है कि क्या करना चाहिए, तो उनमें से कोई भी कंक्लूजन में नहीं आ पाया। तो उनके मन ही मन में, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते कि मन ही मन में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी की याद की, क्योंकि वही एकमात्र साधु थे उनके ज्ञान में जो कम आयु में भी उनका जो समझ थी शास्त्रों की और उनकी जो रियलाइजेशन थी वो एकदम उच्च कट का था। तो उन्होंने सब लोगों ने अपने मन में याद किया कि सुखदेव गोस्वामी होते तो अच्छा होता। तो तुरंत सुखदेव गोस्वामी का उधर प्रकट हो जाता है और तो सुखदेव गोस्वामी उधर चलने आने लगते हैं। उसके बाद जब सुखदेव गोस्वामी को आसन देते हैं और सब कोई उनका जय जयकार करता है, और बाद में परीक्षित महाराज फिर से यही सवाल दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में बोलते हैं और पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, और सुखदेव गोस्वामी बहुत खुश हो जाते हैं कि इतना अच्छा प्रश्न पूछा है, आप मृत्यु का भय तो नहीं है आपके आपके मन में, इतना तो पता लगता है। क्योंकि मृत्यु के भय वाले ऐसे नहीं पूछेंगे कि मैं मुझे क्या करना चाहिए, ये पूछेंगे कि भाई इस मृत्यु से कैसे छुटकारा पाऊं, बोलो कैसे इसको टाल के रखूं, कैसे इसको दूर भगाऊं, ये पूछते हैं अगर भय होता तो। परीक्षित महाराज राज ऋषि हैं, उन्होंने गर्भ में ही, उनके वो जो जब गर्भ में वो थे अपने माँ के उत्तरा के गर्भ में, तभी उन्होंने विष्णु का दर्शन किया था। उसके बाद सबको परीक्षा कर रही थी, क्या ये विष्णु है, क्या ये विष्णु है, क्या ये विष्णु है। परीक्षा करते करते उनका नाम परीक्षित पड़ गया। तो वैसे परीक्षित जो गर्भावस्था में ही उन्होंने विष्णु का दर्शन लिया था, और उसके बाद ऐसे उन्होंने राज्य चलाया कि युधिष्ठिर महाराज के बारे में सब सोच रहे थे। तो ऐसे परीक्षित महाराज जब पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, तो सुखदेव गोस्वामी बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए, और उन्होंने पूरा का पूरा जो भागवतम है, दूसरा स्कंद से लेके 12वें स्कंद तक, इन दो प्रश्नों का उत्तर ही दिया है। इन दो प्रश्नों का उत्तर ही बनता है। और उत्तर देते देते एक कोई चीज के बारे में परीक्षित महाराज को बहुत कुतूहलता हो जाएगी, और बाद में पूछेंगे कि ऐसे कैसे हो गया, तो उसके बारे में एक और एक ब्रांच में जाएगा वो कहानी, फिर से वापस इसी प्रश्न पे आएगी। तो ऐसे करके ये जो प्रश्न हम आज सुन रहे हैं, इन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर पूरा का पूरा भागवतम है। लेकिन वो शुरू कहां से करते हैं? तो जब भी कोई एक प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट जब क्वेश्चन कोई पूछता है, तो पहले उनका पूरा का पूरा आंसर मन में आ जाता है, तो वो बोलते हैं, तो उसके बाद उसका वर्णन होता है। क्या है कि जब भी हमें किसी चीज के बारे में हमें जानना है या किसी चीज के बारे में हमें डिसीजन लेना है, तीन महत्वपूर्ण सवालों का हमें जानकारी लेना चाहिए। उसके बाद हमारा जो भी उसका बारे में निर्णय है उसमें हमें दृढ़ता होगी। क्या है महान सवाल? कुछ नहीं, क्या, कैसे और क्यों, यही तीन सवाल। कोई भी चीज ले लो आप, कोई भी चीज, क्या, कैसे और क्यों। अगर आपको किसी चीज कहीं पे जाना है तो पूछेंगे क्या करने जाना है, कैसे जाना है और क्यों जाना है, और क्या है वो, कहां पर जा रहे हैं और कैसे जाएंगे और क्यों जाना है। अगर क्यों का मतलब, क्यों का आपका आपके पास अच्छा सा एक उत्तर नहीं है तो आप वो काम नहीं करेंगे। अगर आपको किसी ने बोला आपको फास्टिंग करना है, आप पूछेंगे क्यों, ना ऐसे ही,
आज सोमवार है इसलिए कर लो, कन्विंस नहीं होंगे। अगर आप बोलेंगे कि नहीं नहीं आज तो निर्जल एकादशी है, आज तो फास्टिंग करना ही है, या अपना गीता आज पाठ पर बोला गया था वैसा वाला बड़ा एकादशी है, तो ऐसे बोलते ही हम लोगों को कन्विक्शन आ जाता है हाँ करना ही है, या किसी को भी कन्विक्शन आता है। तो ये जो कृष्ण भावनामृत में हम लोग या रहे या आने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरा जीवन भी कोशिश में जा सकता है, पूरा जीवन भी कृष्ण भावनामृत में प्रवेश करने का और उसमें रहने के कोशिश में प्रयत्न में जाए तो भी महान ही बोला जाए। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में रहने का मतलब क्या है कि उनको कोई शीत उष्ण सुख दुख उसमें कोई अंतर नहीं पता लगता, उनको हमेशा वो फ्रेश ही रहते हैं, हमेशा हमेशा कभी मुरझाएंगे नहीं, कभी उनकी उत्साह कम नहीं होगा। ये कृष्ण भावनामृत में रहने वाले लोगों का एक एक पहचान है। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में आने की कोशिश कर रहे हैं उनका उत्साह भी ऊपर नीचे जाता है, उनका नॉलेज भी ऊपर नीचे जाता है, उनका इच्छाएं भी ऊपर नीचे जाता है। कभी कभी अच्छे से सेवा कर लिया, कभी कभी कहीं कुछ और कर दिया, डीटी वर्शिप में भी कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है, कभी कभी अपने जपा में भी ऊपर नीचे हो सकता है, कभी 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 अपने जो फॉलो कर रहे हैं जो भी अपने नियम कर्म का वो सब में भी ऊपर नीचे हो सकता है। ये एक साधक का जर्नी है, ऊपर नीचे होगा ही होगा। प्रभुपाद खुद बताते हैं कि कलयुग में कोई भी कुछ भी परफेक्टली फॉलो नहीं कर पाएगा, परफेक्टली कभी फॉलो नहीं कर पाएगा, लेकिन हमें परफेक्टली फॉलो करने का उद्देश्य रहना चाहिए, अपना इंटेंट जो बोलते हैं अपना इंटेंट। तो सुखदेव गोस्वामी शुरू करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, अगर जो भी मृत्यु के पास है उसको क्या नहीं करना चाहिए। तो वो बोलते हैं श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वं गृहेषु गृहमेदिनां। जो गृह के अटैचमेंट्स में ग्रस्त हैं वो क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, जो साक्षात्कार है उसके बारे में अंधे हो जाते हैं और उसके बारे में सोचते नहीं है, और उनके पास में बहुत सारे चीजें बात करने के लिए। नृणाम संति सहस्रशः श्रोतव्यादीनि, उनके बारे में सुनने के लिए इतने सारे चीजें होते हैं। कभी कभी अरे यार मोदी क्या कर रहे हैं, अरे यार वर्ल्ड कप हुआ इंडिया कहाँ तक आया, या कौन जीता, या कुछ और, मतलब अपने नेबर क्या कर रहा है, उसने ये गाड़ी खरीदी कैसे खरीदी, ये सब चीजें जो है ना साक्षात्कार की तरफ नहीं लेके जाता, ऐसे चीजें नहीं करनी चाहिए। ये पहला टिप है जो सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं परीक्षित महाराज को कि क्या नहीं करना चाहिए उसको। तो गृह मेदी जो है, गृह में रह के गृहमेदी नहीं बनना है, गृहस्थ बनना है। गृहस्थ, गृहस्थ मतलब घर में रहकर भक्त बनना, गृहमेदी मतलब घर में रहकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचना, ये गृहमेदी होते हैं। और इसमें बहुत अंतर है, जो भक्त हैं या भक्त बनने की प्रयत्न कर रहे हैं ये हमेशा सोचते रहना चाहिए कि मैं क्या मैं गृहमेदी बन रहा हूँ कि गृहस्थ बन रहा हूँ। तो बोल तो देते हैं कि चार वर्ण होते हैं, सन्यासी वानप्रस्थ गृहस्थ और ब्रह्मचारी, उल्टा कर अगर सीधे तरीके से जाए तो ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये गृहस्थ जो है हम लोग शायद प्रायः ये ग्रुप में सारे गृहस्थ ही हैं, या कुछ ब्रह्मचारी मतलब को जो शादीशुदा नहीं है वो हो सकते हैं। लेकिन गृहस्थ और गृहमेदी में जो अंतर है उसको हमेशा हमें याद रखना चाहिए, और हमेशा कभी भी हमें गृहस्थ गृहमेदी की तरफ नहीं जाना चाहिए। उसके लिए क्या है, गृहमेदी की तरफ कौन जा रहा है, जो परम पुरुष के तरफ के बारे में ना सोच रहा हो या उसके बारे में जानता नहीं हो और बहुत सारे बाकी चीजों के बारे में उसमें उसको बहुत उत्साह हो, ये गृहमेदी के लक्षण है। और उसके बाद में बोलते हैं कि गृहमेदी और क्या करता है, रात में इंद्र तृप्ति करता है, और या तो दिन में वो अपने इंद्र तृप्ति करता है ये, और पैसे लेके उसको अपने परिवार को संभालने का चिंता रहती है हमेशा। निद्राय हिताय चेनाक्तम व्यायेन च वा वयः दिवा चार्त्यतेर राजन कुटुंब भरणेन वा, ऐसे बोलते हैं। एंड देन उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि क्या करना, क्या होता है उसके बाद वो अपने जो घर वाले हैं, गृहस्थ गृहस्थ के या घर में जो रहते हैं कुटुंब के सदस्य हैं,
उनको सोचते हैं कि ये हम लोग को बचाएंगे, मेरा पुत्र मुझे बचाएगा, मेरा पुत्र मुझे मेरा सेवा करेगा, मेरी पुत्री मुझे बचाएगी, मेरे बैंक बैलेंस मुझे बचाएगा। हाँ, और अब ऐसे किसी ऐसे सारे प्रॉब्लम से उलझ जाते हैं। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्वपि असत्वपि, ये जो ग्रह आत्मा मतलब देहापत्य देह से जो आए हुए हैं जो बच्चे हैं, और कलत्रादिषु भी भार्या होते हैं या जो भी अपने पार्टनर होते हैं, आत्मसैन्येषु जो हमारे कुटुंब वाले हैं, ये असत है, फिर भी तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। वो जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे बाप दादा हैं, उनका मृत्यु हो जाती है, हाँ, और बाकी सारे जड़ की तरफ मतलब जरा की तरफ जाते हैं, हमारे भी बाल सफेद हो जाते हैं, फिर भी हम देखते नहीं है कि हम भी मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। तो मृत्यु के तरफ जो जा रहे हैं कौन है? सिर्फ परीक्षित महाराज नहीं, सारे सारे मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। इसलिए ये प्रश्न जो है सबके लिए अन्वय है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी को बहुत आनंद मिला इस प्रश्न सुन के। तो ये तीन चीज बताते हैं, पहले कि ये क्या नहीं करना चाहिए, पहले अपने ग्रह के बारे में ही सोचते नहीं रहना चाहिए, सिर्फ इंद्र तृप्ति में रहना नहीं रहना चाहिए, और तीसरा हमारे जो आत्मज है, जो हम सोचते हैं कि हमारे हमारे फैमिली मेंबर जो हैं ये हमको एक दिन बचाएंगे, ये वाला एक कल्पना में हमें कभी रहना नहीं चाहिए, ये तीन चीज नहीं करना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवन ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यश्च चेचताभयम्। जो अभय देता हो, जो फियरलेसनेस नहीं देता, फियरलेसनेस मतलब क्या है? अगर मैं ये पक्के तरीके से जान जाऊं कि ये मैं नहीं, ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं इसके अंदर स्थित आत्मा हूं और मेरा मरण नहीं है, ये मैं जानकारी हमेशा रखूं और उसके बारे में कन्विंस हो जाऊं। कैसे होगा कन्विंस? जब हमेशा हम भगवान के बारे में सुनते रहे, हरि के बारे में सुनते रहे हो और उनके बारे में कीर्तन कर रहे हो, तो ये जो एक सिंपल टेक्निक है, ये सिंपल है लेकिन फॉलो करने में बहुत ही मुश्किल है। प्रभुपाद के हर एक परपोर्ट में, हर एक तात्पर्य में ऑलमोस्ट प्रभुपाद ने ठीक ठीक के बोला है, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस बॉडी। चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, दिस इज द ओनली थिंग बोलते रहते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें बाकी सारे चीज चाहिए, कभी सीरियस नहीं होते। तो श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य चेचताभयम्। अगर उनके बारे में सुन के, उनके बारे में कीर्तन करके, उनके बारे में स्मरण करके, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्यरे, इन सब में हम लोग श्रवण कीर्तन स्मरण ये इन तीन जो तीन चीज के बारे में हमने कर लिया, और श्रवण और कीर्तन के बारे में हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो स्मर्तव्य तो खुद ब खुद होगा। हम लोग एक स्पिरिट सोल है, आत्मा है, ये जानकारी हमें हमेशा रहना चाहिए, हमेशा हमें याद रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि माया बहुत स्ट्रांग है, माया इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि हमें भुला देती है कि हम लोग ये स्पिरिट सोल ही है। तो हम लोग सुबह जप करते वक्त भी हमारा ध्यान इधर उधर ही रहता है। आप लोग अपने अपने जप के बारे में सोच सकते हैं कि कैसा है हमारा जप, क्या हम लोग जप को ऐसे कर रहे हैं कि ये मेरा प्रायशः ये मेरा आखिरी दिन है, प्रायशः ये मेरा आखिरी राउंड है, प्रायशः ये मेरा आखिरी मंत्र है। आयेंद्र प्रभु बोल रहे थे कि चैंट एज दो दिस इज द लास्ट मंत्र दैट यू आर चैंटिंग, एवरी मंत्र यू शुड चैंट लाइक दैट, एंड ही फॉलोड इट। ऐसे महान लोग बहुत कम मिलते हैं, और प्रभुपाद उनके जप सुनेंगे, उनका उनके उनका उनका जो हृदय का जो क्रंदन सुनेंगे जब वो प्रीच कर रहे थे। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू काइंडली बिकम कृष्ण कॉन्शियस। ये जो वीडियो आप सुनते हो, मतलब उनके हृदय में जो हमारे लिए अनुभूति है, हमारे लिए जो जो प्रेम है, ये उभर उभर के आता है उनके हृदय से, क्या करें हम लोग समझ में नहीं आ रहा हमको। तो सुखदेव गोस्वामी पूरा का पूरा भागवतम बोल दिए, प्रभुपाद ने बैठ के रात भर भागवतम ट्रांसलेट कर दिया, हमारे हाथ में दे दिया, फिर भी हम लोगों को कन्विक्शन नहीं है।
हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारा मनुष्य जीवन जो है बहुत ही रेयर है, हर एक को नहीं मिला हुआ है। बाहर झांक के देखिए, कोई पौधा बन के खड़ा है, कोई पेड़ बन के खड़ा है, कोई कुत्ता बन के घूम रहा है, कोई बिल्ली बन के घूम रहा है, कोई कोई कबूतर बन के उड़ रहा है, कोई मछली बन के तैर रहा है। लेकिन हम लोगों को मनुष्य जीवन का ये अवसर मिला है कि हम लोग कृष्ण के बारे में सोचें, जानें, उनके बारे में कीर्तन करें, उनके बारे में स्मरण करें। पता भी लग गया हम लोगों की कि कौन है परम पुरुष, कौन है। ऐसे कोई कंफ्यूजन भी नहीं हमारे पास कि नहीं गणपति ऊपर है कि शिवा ऊपर है कि दुर्गा ऊपर है। वो कंफ्यूजन भी दूर कर दिया प्रभुपाद ने इतना बोल बोल के। उसके होने के बाद भी हम लोगों को ये कन्विक्शन नहीं आता कि इस जीवन में हमें 100% सरेंडर करना है, उसके बाद हम जा सकते हैं। तो ये जो पद्म पुराण में 10 ऑफेंसेस के बारे में जो लिखा गया है, जो हम रोज मॉर्निंग प्रोग्राम का एक पार्ट है, उसमें लास्ट वाला क्या होता है कि इवन आफ्टर गेटिंग टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स वन इज नॉट सीरियस अबाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस, आई एम पैराफ्रेजिंग, तो वो फ्लो में आता है। तो व्हेन इफ यू नो एवरीथिंग इवन आफ्टर गेटिंग टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस, इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट द हरिनाम, देन दैट इज एन ऑफेंस, इज एन ऑफेंस। तो हमारा कर्तव्य ये है, कोई भी आश्रम में हो, कोई भी वर्ण में हो, हमारा कर्तव्य यही है कि हम हरिनाम के बारे में जप करें, सुने और उनको दूसरों को बोले और हमेशा हरि का स्मरण करते रहे, कृष्ण का स्मरण करते रहे। ये सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि हर मरते हुए आदमी का, हर 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 आदमी का, हर औरत का ये कर्तव्य है। तो इस्कॉन में जब आते हैं तो इसके साथ साथ हमारा ये भी कर्तव्य होता है कि हम एक दूसरे के काम में कोऑपरेट करें, ये भी कर्तव्य ही है ना। तो कोऑपरेशन भी हमारा कर्तव्य ही है। हम लोग प्रभुपाद ने जो बोला है, क्या बोला है कि कोऑपरेट विथ ईच अदर, क्योंकि हमने उन्होंने बोला है कि इस्कॉन का अगर कभी भी कोई अंत आ सकता है तो बाहर से कोई भी शक्ति नहीं कर पाएगी, अंदर से कोई शक्ति ही करेगी। अंदर से शक्ति करेगी का मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब यही है कि लोग ऐसे होते हैं कि जी जैसे एक दूसरे के बारे में सोचते, मतलब पूरा मूवमेंट के बारे में सोचते नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जब अपने बारे में सोचते हैं उनको लगता है कि ये जो कर रहा है वो गलत है, ये जो कर रहा है वो अपने कीर्ति के लिए कर रहा है, और मैं उनसे क्यों कोऑपरेट करूँ, मैं कोऑपरेट करूँगा तो वो फेमस हो जाएगा। ऐसे ऐसे सोच सोच के ही कोऑपरेशन कम हो जाता है, और कोऑपरेशन कम होने से धीरे 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 करके स्टैंडर्ड कम हो जाता है। जब हम लोग जैसे राधा गोपीनाथ प्रभु हमेशा बोलते रहते हैं, मुझे हमेशा याद रहता है प्रिंसिपल और डिटेल, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग अपने साधना को प्रिंसिपल को वीक कर लें तो हमारा साधना वीक हो जाएगा, जब हम डिटेल को स्ट्रांग कर लें हम फैनेटिक हो जाएंगे। डिटेल को हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं दूसरों के लिए, लेकिन प्रिंसिपल्स को कभी नहीं। ये हमें याद रहे तो हमारा मूवमेंट और हमारा साधना बहुत अच्छा रहेगा। तो सुखदेव गोस्वामी भी यही बोल रहे हैं कि चैंट करो, कीर्तन करो, और कृष्ण के बारे में सुनो और उसके बारे में स्मरण करो। यही है जिसकी सबका कर्तव्य यही है। तो प्रभुपाद ने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा मतलब 70 के बाद का जीवन या उससे पहले का भी, मतलब पूरा जीवन ही हमारे लिए दिया हुआ, हमारे हमें पुस्तक दिया हुआ है, हमें उन्होंने मार्ग दिखाया है क्या करना है, हमें प्रीवियस आचार्यों के साथ कनेक्शन दिया हुआ है। रूप गोस्वामी को हम कैसे जान पाते, भक्ति विनोद ठाकुर को हम कैसे जान पाते, प्रभुपाद ने हमको इंट्रोड्यूस करके बोला कि ये मेरा बच्चा है, प्लीज इनको इनके देखभाल करो। तो रूप गोस्वामी के नीचे हमें रख दिया। अगर लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन के प्रीफेस पढ़ेंगे तो प्रभुपाद डायरेक्टली हम लोगों को रूप गोस्वामी के केयर में डाल देते हैं। इतनी बड़ी बात है ये। रूप गोस्वामी और जो सारे गोस्वामी जो है, जो चैतन्य महाप्रभु के समक्ष उन्होंने सीखा और उनके आज्ञानुसार उन्होंने वृंदावन जाके खोज निकाला, उसको उद्धार किया,
वैसे वृंदावन भी हमको दे दिया, बहुत सारे मंदिर भी दे दिया, हम किसके लिए रुके हुए हैं? बस हमारे तरफ से क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो शिला प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में बताया गया है वो सारे इंस्ट्रक्शन हमारे जीवन में कैसे इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करें। वीक नहीं कराना है उसको, ये नहीं बोलना यार अच्छा अच्छा प्रभुपाद ने ये बोलना है वो तो ये भी मतलब हो सकता है, ऐसे सोच के नीचे वाला मतलब कभी नहीं निकालना है, कभी हमेशा हायर स्टैंडर्ड। जब तक हम कृष्णा से जुड़ते नहीं है हमें माया से छुटकारा नहीं मिले। जो माया से छुड़ना मतलब कृष्णा से जुड़ना, और उस जुड़ने के लिए हमारा साधना जो है अत्यावश्यक है, मतलब बहुत ही अच्छी साधना रखना चाहिए। जो प्रभुपाद ने बना के गए हैं वो, उन्होंने तो पूरा का पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम बना दिया हमारे लिए इतना अच्छे से, उसमें श्रवणम कीर्तनम तुलसी महारानी से हमें इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कृष्ण भक्ति दे सकती है उनको उनके बारे में उनका प्रोग्राम भी डाल दिया बीच में। 4:30 बजे उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठवा दिया हमको, गुरु को प्रणाम करवा दिया अपने संसार धावा प्रेयर से, उसके बाद नरसिंहदेव से हमारा प्रोटेक्शन ले लिया, उसके बाद तुलसी महारानी के पैर में पड़वा के उनसे भीख मंगवा दिया कि मुझे कृष्ण प्रेमी चाहिए। हमें चाहिए कृष्ण प्रेम, लेकिन करना काम नीचे का है, ये कैसे हो सकता है? उसके बाद जपा, हमारा पूरा का पूरा जपा करा दिया, उसके बाद में भागवत श्रवण भी करा दिया, और उसके साथ उसने वैष्णव करा दिया, जो 64 अंगा में से 5 अंग जो इम्पोर्टेंट है उसमें दाम अलावा दाम के दाम छोड़कर बाकी सारे 4 चीज तो मॉर्निंग प्रोग्राम ही लगा दिया प्रभुपाद ने। तो सबको बोला कि साल में एक बार मायापुर आओ, साल में एक बार वृंदावन जाओ, तो अपना धाम का प्रोग्राम भी हो गया। तो 5 अंग प्रभुपाद ने खुद देख लिया है, हमें बस उसका पालन करना है। तो पालन करने के लिए जो हमारी जो श्रद्धा है उसको, अगर श्रद्धा को ऊपर करना है तो हमारा चैंटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। चैंटिंग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इधर उधर देख के जो चैंटिंग करते हैं, इनअटेंटिव चैंटिंग जो बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा। तो इनअटेंटिव चैंटिंग वो हर चीज का जड़ है। बाकी सारे जो ऑफेंस है, बाकी सारे 10 ऑफेंस का भी जड़ इनअटेंटिव चैंटिंग में है। हम अगर बैठ के चेयर पे या नीचे जैसे होता है वैसे बैठ के श्रद्धा से ध्यान पूर्वक बाकी कुछ भी काम ना करते हुए, जब तक हमारा पूरा 16 माला एक बार में नहीं, जैसे प्रभुपाद ने तो 4-4-4-4 का प्रोग्राम भी बताया था, अगर बिजी लोग होते हैं तो सुबह 4, दोपहर में 4, इवनिंग 4 और खाने के पहले 4, ऐसे भी बोला है। तो हमारे जो मिनिमम 16 माला है उसको अगर हम बैठ के बहुत श्रद्धा से नहीं करेंगे तब तक हमारी साधना इम्प्रूव नहीं होगी। जब तक साधना इम्प्रूव नहीं होगी हमारा जो लगाव है कृष्णा की तरफ वो इम्प्रूव नहीं होगा, तो ना कीर्तन होगा, ना स्मरण ठीक से होगा, ना ना श्रवण होगा। तो हम लोग प्रण लेना चाहिए कि प्रभुपाद ने अपने जीवन दिया है, हम एटलीस्ट हमें सिंसियरिटी दें उनकी तरफ। तो इधर मैं रोकना चाहूँगा, 9 बजे रोकने बोला था। तो अगर कोई टिप्पणी है, कोई कमेंट है, कोई करेक्शन है सुनने के। हरे कृष्ण प्रभु, मुझमें प्रभु दिन प्रणाम प्लस। और बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट्स आपने शेयर किए इसमें। ये जो कोऑपरेशन वाला है इट इज रियली वंडरफुल। जो डिसइंटीग्रेशन जो थोड़ा बहुत है वो इसी की वजह से है, क्योंकि वो ये सोचता है कि अगर मैं ये सेवा करूंगा तो मेरा फायदा नहीं है इसमें, किसी और का ख्याति हो रहा है, तो दैट बिकम्स अ बिग डिमोटिवेशन फॉर मी। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था। सो हम लोग को यही सोचना है कि हर सेवा चाहे जो भी हो इट इज फॉर कृष्णा, इट इज फॉर प्रभुपाद। वो प्लस प्रसन्न हो गए तो बाकी कोई प्रसन्न हो नहीं हो हम लोग को फर्क नहीं पड़ता उससे। सो दैट मोटिवेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और हम लोग जैसे जब मैं दुबई में भी था तो जब ये प्रोग्राम होता था अपना रिजेंट स्कूल में, तो मेनी पीपल यूज टू कम ओनली व्हेन शिवल्ल प्रभु इज देयर। जैसे शिवल्ल प्रभु ने पैकअप करके निकल गए, पीछे पीछे तुरंत अपना एक आदमी 4-4 पार्सल उठा के चला जाता था। सो देयर मोटिवेशन जस्ट टू शो that show off should not be there, and I've seen many sincere devotees जो वहाँ पे 2-2 दिन पहले से काम करते थे and they're not bother, मतलब अपना बस सेवा करते जा रहे रात को 12-1 बजे तक। so that sincere motivation is required। तो आपने जो
पॉइंट बोला दैट वाज रियली वेरी वंडरफुल और इंटीग्रेशन amongst devotees, amongst the organization. So thank you very much for sharing such a nice pandro. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Mataji. Thank you so much, Prabhu. बहुत बढ़िया क्लास था. And आपने जब chanting पे ध्यान देने का topic जो था वो अच्छा लगा. वो time पे I remember महात्मा दास प्रभु जी का 3 दिन दामोदर देश में chanting के ऊपर program था. And उस time पे जब मैंने आपको एक बार देखा था तो वो मैं कंटिन्यू आपको मैं 2 मिनट तक देख रही थी कि प्रभु कितना ध्यान से चैंटिंग कर रहे और सुन मतलब आपका ध्यान कैसे यहाँ वहाँ जितना हो सका आपने प्रयास किया था कि आप चैंटिंग पे ध्यान दो क्योंकि हम लोग का जो रोज का आदत होता है यहाँ वहाँ देख के हम चैंटिंग करते हैं बट बड़े वो सडनली भी प्रोग्राम का था 3 दिन का उस टाइम पे मुझे आपका फेस याद आ रहा है क्या वो टाइम पे कितना कंटिन्यू चैंटिंग कर रहे थे और कॉन्सेंट मतलब पूरा ध्यान दे रहे थे अपनी चैंटिंग पे तो बहुत अच्छा लगा प्रभु वो ही बात याद करके और अभी जो आपने एड किया है कि वाकई में हमारा पूरा ध्यान हमें प्रयास करना चाहिए कि हम चैंटिंग साथ में नहीं कर सकते बट एटलीस्ट जैसे थोड़ा थोड़ा जैसे आपने 4-4 राउंड का बताया एंड प्रयास कर सके कि हम तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन हमारी चैंटिंग पे हो तो थैंक यू सो मच प्रभु ओवरऑल बोलें आपका क्लास बहुत अच्छा था प्रभु थैंक यू सो मच प्रभु हरे कृष्ण सत्यराज प्रभु और जीवन जीव पावन गुरु सुनाई नहीं दे रहा लेकिन दो लोगों का हाथ ऊपर है हरे कृष्ण ब्रज विनोद प्रभु ब्रज विनोद श्याम प्रभु जी थैंक यू सो मच वर्ड कॉल शॉर्ट रियलाइज क्लास था प्रभु जी और जैसे आप बता रहे थे श्रील प्रभुपाद जी ने जो मूवमेंट 70 आफ्टर एज ऑफ 70 उन्होंने अपना पूरा लाइफ अपने को दे दिया और जपा कैसे होना चाहिए अभी जैसे माता जी ने बताया कि वो जपा सेशन में प्रभु जी ने कितना अच्छे से बताया तो प्रभु जी श्रील प्रभुपाद जी के बारे में आप जैसे बता रहे थे तो रिसेंटली आई मीन वृंदावन में था तो उधर एक प्रभु जी बता रहे थे क्लास के बाद कि वो बोल रहे थे कि मैं वो नाम नहीं रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ प्रभु जी लेकिन डेली वो एक प्रभु जी थे वो डेली 2 घंटा श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स डेली पढ़ते थे और कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम हुआ उस दिन वो पढ़ नहीं पाए 1-1 घंटा पढ़ पाए और ऐसे ही बैठे थे वो ही केप साइलेंट एंड ही जस्ट लुकिंग एट द बुक वो रीड नहीं कर पा रहे थे और उसी टाइम पे ही हर्ड श्रील प्रभुपाद वॉइस जो लाइंस जिधर से उन्होंने बाकी बचा था उधर से 3 लाइन्स श्रील प्रभुपाद जी ने बताया आई मीन ही स्पोक दोज लाइन्स और ही हर्ड दोज लाइन श्रील प्रभुपाद उनके कान में ऐसा श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं आपने चैंटिंग के बारे आपने समझाया बहुत सारे पॉइंट्स प्रभु आपकी प्रैक्टिकल लगी और प्रभु जी जैसे आपने बताया कैसे प्रभुपाद जी ने भी बोला जितने आपने बताया कि कैसे अलग अलग लेवल्स के बहुत या अलग अलग लेवल्स के साधक भी होते हैं एंड उसमें आपने बताया कि प्रभुपाद जी ने ये खुद बोला है कि जैसे मतलब बिकॉज कलयुग है तो सारे मीन्स जो ग्रस्त हैं ग्रह मेदिया मतलब जो भी साधक भी हैं कोई भी उसको जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सब लोग उसको कोई भी परफेक्टली फॉलो नहीं कर सकता बिकॉज इट्स कलयुग जो आपने अपने क्लास में अभी बताया तो वो बहुत ही मीन्स एप्ट और बहुत ही वैलिड पॉइंट लगा कि कितना भी कोई कर ले एंड प्रभुपाद खुद कह रहे हैं कि ये कलयुग में कोई भी परफेक्टली पूरा कोई भी परफेक्टली फॉलो नहीं कर सकता भले वो बाहर से भले दिखे ऐसे लगे कि मतलब है पर जैसे क्योंकि प्रभुपाद ने बोल दिया है क्या है नहीं एक सेकेंड कर नहीं पाएगा इसका मतलब ये नहीं कि इसके पीछे हम छुप जाके हम लोग बोलेंगे ये तो कोई नहीं कर पाएगा मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ हमारा एफर्ट रहना चाहिए हर बार सही करने का लेकिन ऐसा हो सकता है कभी कभी छूट जाए लेकिन वो डिटेल में छूटना चाहिए प्रिंसिपल पे नहीं इतना याद रखना है बस
डिटेल में छोटा चाहिए, प्रिंसिपल में नहीं प्रभु, थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे इस पे? मैं ग्रॉस एग्जांपल लूंगा. देखो, अगर हमने हमें क्या बोला गया है, प्रिंसिपल क्या है, फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल में एक है नो मीटिटी. जी सर, चलो ठीक है, नो गैम्बलिंग का रखते हैं. ठीक है, नो गैम्बलिंग मतलब जब बाहर जाके पैसा लगा के जुआ नहीं खेलना, ये प्रिंसिपल है. इसका एक डिटेल है अव्यर्थकालत्वम. अव्यर्थकालत्वम मतलब अपना टाइम का भी हमें वेस्ट नहीं करना है, कुछ भी वेस्ट नहीं करना है. क्योंकि अगर हम लोग बैठ के वीडियो देख रहे हैं किसी चीज का, तो हम टाइम के साथ गैम्बल कर रहे हैं. ये डिटेल है. तो हमको जब हम लोग वाउज लेते हैं, हम बोलते हैं नो मीट ईटिंग इंक्लूडिंग ऑनियन एंड गार्लिक, नो इंटॉक्सिकेशन इंक्लूडिंग कॉफी एंड टी, नो इलिसिट सेक्स बोल देते हैं, और नो गैम्बलिंग बोल देते हैं, नो गैम्बलिंग इंक्लूडिंग स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, ऐसे बोलते हैं. लेकिन अगर किसी ने वाव ले लिया नो गैम्बलिंग इंक्लूडिंग नॉट वेस्टिंग टाइम, फॉलो करके बताइए, इधर ना उधर कुछ ना करके हमारे सोशल तरीके से, या कोई किसी ने व्हाट्सएप कुछ फॉरवर्ड किया, उसमें कुछ तो निकल गया, उसमें यूट्यूब ही देख रहे थे, गौरांग प्रभु का क्लास ही देख रहे थे, नीचे एक वीडियो निकल के आया, उसमें क्लिक कर दिया, एक ट्रेलर देख लिया, कितना टाइम वेस्ट होता है वैसे होते होते. यस प्रभु, है ना, सबका होता है. इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ट्राई नहीं करेंगे ना देखने का. यस प्रभु, तो वो है प्रिंसिपल को ब्रेक करना, मतलब जाके डायरेक्ट जुआ कर देना. डिटेल मतलब ये से चीज है, लेकिन उसके भी डिटेल का भी हमें याद रहना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए कि भाई ये गलत है. जो जिसको मालूम है ये गलत है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, उसको बोलते हैं साधु रे व समन्तव्य है सम्यक व्यवस्थित हो ऐसा, वो नहीं जो जानबूझ के उसको तोड़ रहा. यस पर प्रभु, गलतियां तो मतलब प्रयास तो होता है, लेकिन कभी कभी जैसे आपने आपने अपनी एग्जांपल दिया कि कैसे मतलब आप वीडियो वीडियो आता है आपको जो मतलब नीचे कोई नोटिफिकेशन या जो भी, माया तो स्ट्रांग है ही कलयुग में, तो आप वो आप क्लिक कर लोगे, वो ट्रेलर आप उस टाइम देख लोगे और आपका वो 2-3 मिनट भी चले जाएंगे जैसे. तो वो नहीं, तो वो 2-3 मिनट से तो जाएगा, 2-3 मिनट तो जाएगा, उसके बाद क्या होता है, ध्यायतो विषयापुंसा संगास्तेषु पजायते संगात संजायते कामा कामात लोतो विजायते. मतलब आपने ट्रेलर देख लिया, ट्रेलर मन में है तो कभी ना कभी वो पिक्चर कहीं आएगा, तो पिक्चर देखने का भी मन करेगा आपको. ये सच है. यस ब्रो, प्रैक्टिकल ब्रो, है ना. तो आपका क्या है, आपका माया से लड़ाई कब से, मतलब आपका आपका युद्ध कब से है? जब से आपने का हाथ में फोन उठाया तब से आपका युद्ध है, याद रहना चाहिए. मैं तो बोलता हूँ, मेरा एक ख्वाहिश है कि कभी मेरा ऐसा सिचुएशन मतलब हो कि मेरे लाइफ में कि मैं ये वाला फोन छोड़ के वो अपना लाल 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 हरा वाला फोन कभी हाथ में रखूं, लाल बटन हरा बटन वाला. तब हमें एक पूरा का पूरा एक एपिसोड ही खत्म कर दिया, ऐसे नोटिफिकेशन आने का देखने का वो सब होगा. हम लोग क्या 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 रीजन देते हैं, अरे इसमें तो हम प्रीचिंग करते हैं, व्हाट्सएप पे तो बहुत सारे मैसेज आते हैं, मेरे गुरु महाराज के वीडियोस आते हैं, मैं भक्तों के साथ ही संग रखना है, ऐसे बोल बोल के हमारे मन को हम ही खुद फुसलाते हैं. ये हमारा वीकनेस है. जितना जितना हम अपने आप से सच बोले उतना बेहतर होगा कि भाई मैं अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास अभी भी डिजायर्स है, ये प्रॉब्लम. ये यार जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक हम अपने आप को झूठ बोलते रहे. Yes. पर प्रभु ये बात सच भी है ना, मतलब कि भी आपको मतलब अभी चाहे तो स्मार्टफोन की जगह पे हम शिफ्ट कर लें नॉर्मल फोन पे, जो स्मार्टफोन के पहले यूज किए जाते हैं. अब स्मार्टफोन की यूजेस भी है ना, कि जैसे अभी हम ये क्लास अभी हम सुन रहे हैं तो स्मार्टफोन की मदद से ही सुन रहे हैं, क्योंकि वो नॉर्मल वाले टीम्स रखिए, ये रखिए, जूम रखिए, यूट्यूब निकाल दीजिए. yes. बस बोल रहा हूँ, अगर आपको yes. लेक्चर ही पढ़ना है सुनना है तो कहीं तो आएगा अपने मतलब इस्कॉन डिजायर ट्री में तो आ जाएगा. इस्कॉन डिजायर ट्री में तो कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपको पिक कर सके. yes.
मैं बोल रहा हूँ, मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ इसको, मैं बस बोल रहा हूँ कि ये कर सकता है तभी आगे जाके। ऐसा मत सोचना कि मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, मैं तो बहुत दूर हूँ। लेकिन ये मनुष्य जीवन में ये करना चाहिए। यस प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु, आपने एग्जांपल बहुत प्रैक्टिकल दिए समझाने के लिए भी, और सच में हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए उसके भी विविड एग्जांपल्स आपने दिए, जो समझने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ओके, तो यहाँ पर हम विराम देंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू। हरि बोल। या बोलिए माता जी। नहीं बस प्रभु और माता जी के प्रेयर करेंगे कि धाम में बहुत अच्छे से सेवा करें और धाम वासी हमेशा बने रहे, उनकी बहुत अच्छी डिजायर है माता जी की। तो बाय द वे आपने जो पहले बोला, पहले व्रजप्रिया माता जी आपने जो बोला कि उनको बोल मैसेज आते ही आप वहाँ बोल देती है, हमने ये कभी हमको बोला गया था कि कभी कीर्तन के लिए और भागवतम के लिए कि कोई अगर आज्ञा दे तो मना नहीं करना चाहिए जब तक हो सके, जितना हो सकता उतना। सो ऐसे हम लोग सोच के रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हमेशा हो जाएगा फ्री, लेकिन जब है तो वो बोल देती है हाँ, क्योंकि देना ही पड़ता है, ये हमारा बीच का अंडरस्टैंडिंग है बस। ठीक है प्रभु, मैं अभी नेक्स्ट टाइम आपका इंतजार करूंगी कि आप सामने से मुझे मैसेज करें कि आई एम रेडी फॉर क्लास। नहीं नहीं ऐसे कभी नहीं होगा प्रभु। देखिए आपका क्लास इतना सुंदर है कि वो सबको सुनना अच्छा लगा अभी भी और पहले भी, तो जैसे आपको लगे आप हमें बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच प्रभु। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आप दोनों के लिए प्रे करेंगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रभु। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ब्रज विनोद प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु। इट वाज वेरी नाइस क्लास। प्रभु हैज लेफ्ट। ओके, तो माता जी उनको ऐसे बीच बीच में इनवाइट करते रहिए। आज का क्लास इनका बहुत बहुत ही अच्छा था और वही धामवासी से सुनने का कुछ अलग ही आनंद है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। जस्ट मैं एक बोलना चाहता, जीव पावन प्रभु ने हाथ उठाया था, कुछ बोलना था उनको। इफ यू वांट टू शेयर प्रभु यू कैन डू इट नाउ। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी माता जी। धन्यवाद व्रज प्रिया माता जी, इतना अच्छा प्रभु जी से आपने संग करवाया और हमें श्रवण करने मिला। प्रभु जी मेरा एक सिर्फ इस ये क्लास रिलेटेड एक क्वेश्चन था प्रभु जी। जैसे व्रज विनोद श्याम प्रभु जी ने बहुत सुंदर अपने प्रवचन में सब अलग अलग रेफरेंस दे के समझाया, तो इसमें गृहस्थ और गृह मेदी के बारे में बताया, और जैसे हम ये प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि जो ये भौतिक कार्य में जुड़ा हुआ है तो वो मतलब भगवान का स्मरण मतलब ऐसा नहीं कर सकता है, या ऐसा कुछ काम में फंस गया या कोई जवाबदारी में फंस गया तो उसको भगवान का स्मरण ऐसा नहीं होता है। तो प्रभु जी ने भी जैसे बताया था कि हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन जैसे अभी हम कार्य कर रहे हैं कुछ भी, तो उसमें अभी जैसे प्रभु जी ने और एक ये भी बताया था कि हमें जैसे प्रिंसिपल में स्ट्रांग रहना है, तो अभी जैसे और सब ये भौतिक कार्यकलाप हमारा दिन का ज़्यादा समय उसमें जाता है, तो उस समय में हमारा प्रिंसिपल को भी हम कैसे स्ट्रांग रख सकते हैं, और उसके साथ साथ जैसे प्रभु जी ने इतना अच्छा मतलब सब अलग अलग जगह से और इतना अच्छा अपना अंडरस्टैंडिंग बनाया है तो वैसा बना सके प्रभु जी, ये एक प्रश्न था प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम। बस इसके लिए ही हाथ टूटा ऊपर किया। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा सबको। थैंक यू। थैंक यू प्रभु। मैं ये सजेस्ट करूँगा आप एक वॉइस नोट बना के आप ये जो क्वेश्चन है आपका व्रजप्रिया माता जी को भेज दें। व्रजप्रिया माता जी डायरेक्ट व्रज विनोद प्रभु जी को भेज देंगे, एंड ऑडियो नोट उनका जो है वो रिटर्न में जब आ जाएगा तो देन वी कैन शेयर, माता जी हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। व्रजप्रिया माता जी। जी प्रभु जी। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।